Today's topic is Genera Cara BSc Part 1. Hello friends, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका BSc Part 1 का फर्स्ट पेपर का टॉपिक है जीनस कारा जो कि ग्रुप एल्गी में आता है. इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड इज थैला स्ट्रक्चर. सब डिवीजन एल्गी, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कैरिस, फैमिली कैरेसी एंड जीनस कारा. अब हम इसकी क्लास को डिस्कस करेंगे. व्हाई दिस जेनरा हैज बीन पुट इन दिस क्लास, क्लास क्लोरोफाइसी. क्लास क्लोरोफाइसी का मींस ये होता है कि इसमें पाए जाने वाले मैक्सिमम जेनरा दे आर ग्रीन इन कलर. व्हाई दे आर ग्रीन इन कलर, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी बहुतायत में पाया जाता है. कुछ मात्रा में इसमें जेंथोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है. ये जो एल्गी है, एल्गी जो ग्रुप है, ये ऑटोट्रॉफिक भी है. साथ में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च होता है. इसमें सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है. क्लोरोफाइसी के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है. ऑर्डर कैरेल्स, फैमिली कैरेसी एंड जीनस कारा. सो अभी तक हमने कारा की सिस्टमेटिक पोजिशन को डिस्कस किया. अब हम इसका देखेंगे अकरेंस कि कारा कहाँ पाया जाता है. कारा जो है एक सबमर्ज एक्वेटिक एल्गी है. ये जनरली रुके हुए पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में, पॉन्ड्स के किनारे अपने राइजोइड्स की सहायता से चिपका हुआ पाया जाता है. और कुछ इसकी स्पीशीज जो है वो हार्ड वाटर में भी पाई जाती है और हार्ड वाटर के अंदर उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन पाया जाता है. अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन की वजह से इनकी इनकी जो सतह है वो थिक हो जाती है और इसकी वजह से इनको हम कारा को हम स्टोन वर्ड भी कहते हैं. जनरली आपके उसमें वन वर्ड क्वेश्चन में भी ये आ जाता है कि कारा का कॉमन नेम क्या है, तो कारा का कॉमन नेम है स्टोन वर्ड. अगर अब हम जो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज द थैला स्ट्रक्चर ऑफ कारा. कारा का अगर थैला स्ट्रक्चर देखें, कारा में कारा की राउंड अबाउट 90 स्पीशीज ऑल ओवर वर्ल्ड पाई जाती हैं और जिसमें जो भारत में जो पाई जाती हैं वो अराउंड 27 स्पीशीज हैं जो कि हमारे भारत में पाई जाती हैं. अब इसके कारा का अगर हम थैलस बॉडी देखें तो इसमें जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द राइजोइड एंड जो इरेक्ट पार्ट है इसका, वो जो इरेक्ट पार्ट है इसका वो नोड्स और इंटर नोड्स के अंदर डिवाइडेड होता है और इसके अंदर दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. अब अगर हम इनको समझें कि ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होती है, तो जो नोडल रीजन है हमारा दैट इज ये जो नोड वाला पार्ट है जहां से कि ये फ्लोरल स्ट्रक्चर में अपना लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस ब्रांच को, उस जगह को हम ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं. इनकी ग्रोथ जो होती है बस लिमिटेड होती है, इतने तक ही ये ग्रोथ रह जाती है. लेकिन जो इसके बीच वाला पार्ट है दैट इज द इंटरनोडल रीजन, ये जो ब्रांच है दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज अ ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड. अब हम राइजोइड्स को देखें तो राइजोइड्स में जो ये राइजोइड जो है ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिस्टीलिएट होते हैं. ओब्लिक सेप्टा, ये जो ओब्लिक सेप्टा है ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है. कारा के अंदर ही ये कैरेक्टर पाया जाता है. इसके अंदर इसकी ये एक मेन एक्सिस है जो हम इसमें देख रहे हैं, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. अगर अब हम इसको देखें, कारा को अगर हम देखें सेक्सुअल ऑर्गन पर अगर हम आते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसे कि हम न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल कहते हैं, जो कि और किसी जेनरा के अंदर जनरली नहीं पाए जाते और जेनरा में नहीं पाए जाते. अब नाउ अगर हम सेक्सुअल ऑर्गन्स को देखें तो ये वाला जो पार्ट है आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये इंटरनोड वाला पार्ट है और बीच वाला जो पार्ट है दैट इज द नोडल पार्ट. अब इस नोडल पार्ट के ऊपर, इस नोड वाले रीजन के अंदर पास में, इस रीजन में ही न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल पाए जाते हैं. अब आप ये देख रहे हैं ये बीच में ये जो स्ट्रक्चर लीफ है, जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रिप्यूल है, ये न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल को आपस में अलग करता है. न्यूक्यूल क्या है, एक ये एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है. न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्यूल में जो बाहर का जो स्ट्रक्चर आपको ये सर दिखाई दे रहा है ये ट्यूब सेल्स है. इसमें ये 5 छोटी छोटी कोशिकाएं टोपी नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोरोना कहते हैं. ये बीच वाला जो पार्ट है अंड जिसे हम एग कहते हैं,
अब इसके बिल्कुल बेस में, बेसल रीजन में ही नीचे की तरफ ये स्टिपुल से जो अलग है, ये है ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और न्यूक्यूल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ग्लोब्यूल जो है ये स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर होता है, ग्लोबोस स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। इसके जो बाहरी जो आवरण है इसको हम शील्ड सेल्स कहते हैं। ये जो भाग में आप देख रहे हैं ना, ये शील्ड सेल्स है, और अंदर वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये मैन्यूब्रियम वाला पार्ट कहलाता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखें न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल का, तो जनरली न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल इसमें दो तरह के ये जननांग होते हैं। ये दो तरह के जननांग, जैसे इसमें दो तरह की वर्ड अगर आप अपन देखते हैं, एक वर्ड होता है मोनोएशियस और दूसरा वर्ड होता है डायोशियस। मोनोएशियस का मतलब ये होता है दोनों जननांग जब एक ही थैलेस में होते हैं इसको हम उभयलिंगाश्री कहते हैं, और डायोशियस का मतलब होता है जब दोनों जननांग अलग अलग सुकाय पर पाए जाते हैं जिसको हम एक लिंगाश्री कहते हैं। और इस कारक के अंदर दोनों स्पीशीज होती हैं, मोनोएशियस स्पीशीज भी होती है और डायोशियस स्पीशीज भी होते हैं। अगर हम ग्लोब्यूल को और अगर हम ध्यान से देखें तो ग्लोब्यूल जो है ग्लोबल स्ट्रक्चर है। इनिशियली ग्लोब्यूल जो होता है ग्रीन इन कलर होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे ये मेच्योरिटी पे चला जाता है, मेच्योरिटी पे जाता है, तो इसमें इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो नष्ट हो जाता है और उसमें कैरोटीन बन जाता है। कैरोटीन से इसका जो कलर है वो ऑरेंज से येलोइश की तरफ हो जाता है। और जो शील्ड सेल में जो ये जो शील्ड सेल्स के केंद्र में आप जो देख रहे हो, ये बेलनाकार जो स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं उसके बीच में ये होता है मैन्यूब्रियम कहलाता है। अगर हम न्यूक्यूल को भी और देखें जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसमें कि बाहर आप ये देख रहे हो ये फाइव छोटी छोटी कोशिकाएं जिसको हम कोरोना कहते हैं, ट्यूब सेल्स, एग, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम इन न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे, इनका डेवलपमेंट, ये किस तरह डेवलप होते हैं और किस तरह से कारक के अंदर क्या है, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अगर हम देखें तो इसमें एडवांस ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कारा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब हम इसको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कारा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। होप आपको लेक्चर पसंद आया। थैंक यू।